इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ शेप ऑन स्क्वायर ग्रिड एरिया किसे कहते हैं किसी भी शेप के अंदर जितनी स्पेस होती है जितनी जगह होती है उसे कहा जाता है एरिया जैसा कि अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो इसके अंदर ये जितनी से जगह हुई है ये सारा इसका एरिया होगा और स्क्वायर ग्रिड क्या होती है स्क्वेयर ग्रिड इस तरह की होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह के स्क्वेयर्स बने होते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर स्क्वेयर ग्रिड पर कोई शेप बनी हुई हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं मिसाल के तौर पर हमें इस स्क्वेयर ग्रिड पर एक रिक्टेंगल बनाकर दी हुई है और ये जो स्क्र ग्रिड है इसका एक छोटा स्क्वेयर बराबर है वन स्क्वे यूनिट के यहाँ पर यूनिट कोई भी हो सकता है सेंटीमीटर मीटर इंचेस या फीट कोई भी यूनिट हो सकता है तो इसको हम कहते हैं वन स्क्वायर यूनिट तो हम देखते हैं कि ये जो रिक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा एरिया क्या होता है किसी भी शेप ने जितनी जगह ली हुई होती है तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल ने जितने ये ब्लॉक्स कवर किए हुए हैं हमने ये काउंट करने हैं यानी हमें इस छोटे ब्लॉक का एरिया गिवन है और हम इसकी मदद से देखेंगे कि ये जो बड़ी रेक्टेंगल है इसमें इसने टोटल कितना एरिया कवर किया हुआ है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने छोटे ब्लॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो ये जो रिक्टेंगल है इसके अंदर 15 छोटे ब्लॉक हैं और एक छोटे ब्लॉक का एरिया हमें गेवन है जो कि है वन स्क्वेयर यूनिट तो ये जो पूरी एक रिक्टेंगल होगी इसका एरिया होगा 15 स्क्वेयर यूनिट्स क्योंकि इसके अंदर जितने ये छोटे ब्लॉक्स हैं उतना ही इसका एरिया होगा एक ब्लॉक का एरिया हमें गिवन था यानी एक ब्लॉक ने ये जितनी जगह ली हुई है ये हमें पता है और इसकी मदद से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी रिक्टेंगल है इसने कितनी जगह ली हुई है तो इस तरह से हम स्क्वायर ग्रिड के ऊपर किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब हमें इस तरह की शेप दी गई है स्क्वेयर ग्रिड के ऊपर और हम देखते हैं कि अब इसके अंदर ये छोटे कितने स्क्वेयर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो इसका एरिया कितना होगा इसका एरिया होगा ट्वेल्व स्क्वेयर यूनिट्स क्योंकि इसके अंदर ट्वेल्व स्क्यर यूनिट्स आ रहे हैं और एक स्क्र यूनिट है वन स्क्र यूनिट तो इस पूरी शेप का एरिया आ गया ट्वेल्व स्क्र यूनिट्स अब हमारे पास एक ट्राई है इसका एरिया फ़ाइन करना है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने छोटे स्क्वायर यूनिट्स हैं तो पहले हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ स्क्वायर यूनिट्स कंप्लीट हैं और कुछ इस तरह से हाफ हैं तो पहले जो कंप्लीट हैं हम उन्हें काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसमें सिक्स जो स्क्वायर यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हैं और अगर हम यहाँ से देखें तो इसका ये जो एक हाफ़ स्क्वेयर यूनिट है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एक स्क्वेयर यूनिट को हाफ करें तो ये इस तरह से एक छोटा सा हाफ़ पार्ट या छोटी सी ट्रायंगल बनती है और फिर इसको दूसरी तरफ से भी देखें तो यहाँ पर भी एक छोटी ट्रायंगल बनती है हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स को मिलाकर एक स्क्वेयर कंप्लीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे इन दोनों स्क्यर यूनिट्स को मिलाकर एक कंसिडर करेंगे यानी ये दोनों मिलकर एक स्क्वेयर यूनिट हैं तो हम क्या करेंगे सिक्स में एक और स्क्वेयर यूनिट जमा करेंगे इसी तरह से ये भी वन टू तो ये दो हाफ मिलकर भी एक कंप्लीट स्क्वेयर यूनिट बन जाएगा तो ये कितना आ गया सिक्स प्लस वन प्लस वन एट स्क्वेयर यूनिट्स तो इस तरह से हमने इस ट्राई एंगल का एरिया फाइन कर लिया हमें जो कंप्लीट स्क्वेयर यूनिट्स दिए गए थे पहले हमने वो काउंट किए और जो हाफ थे उन्हें दो मिलाकर एक कंप्लीट कर लिया तो इस ट्राई एंगल का एरिया कितना है एट स्क्वेयर यूनिट्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब हमें इस तरह की शेप दी गई है और ये जो एक स्क्वेयर है अब यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है वन स्क्वेयर सेंटीमीटर यानी ये जो हमें छोटा ब्लॉक दिया गया है इसका एरिया है वन स्क्वेयर सेंटीमीटर यूनिट हमें यहाँ पर दिया गया है तो अब हम देखते हैं कि ये जो शेप है इसका एरिया कितना है तो पहले इसी तरह इसमें जो कम्प्लीट ब्लॉक्स हैं उन्हें हम काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो इसके पास ट्वेल्व कंप्लीट यूनिट्स हैं अब हम जो इसमें हाफ हैं एक ये वाला हाफ और एक ये वाला ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा वन फुल तो ट्वेल्व प्लस वन इसी तरह अब हम ये वाला हाफ और ये वाला हाफ स्क्वेयर यूनिट ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा वन फुल तो ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन प्लस वन फोर्टीन तो ये जो शेप है इसका एरिया कितना है फोर्टीन स्क्वेयर यूनिट्स तो इस तरह से हम स्क्वेयर ग्रिड के ऊपर किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर यूनिट हमें गिवन था सेंटीमीटर था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्टीन स्क्वेयर सेंटीमीटर यानी जो भी छोटे ब्लॉक का एरिया हमें गिवन होगा वहाँ पर जो यूनिट होगा वही इस बड़ी शेप का भी यूनिट होगा तो आज हमने पढ़ा एरिया ऑफ शेप ऑन स्क्वेयर ग्रिड